मुंबई में मोनोरेल के स्टेशनों पर वेटिंग पीरियड बढ़ने से यात्री नाखुश हैं। यात्रियों को अब ट्रेन के लिए 45 मिनट से लेकर एक घंटे तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि स्टेशनों पर इतने लंबे इंतजार के बावजूद बैठने के लिए ना तो कोई व्यवस्था है और ना ही पीने के लिए पानी जैसी बेसिक सुविधाएं हैं। मुंबई के मोनोरेल प्रोजेक्ट को वैसे तो शुरू से ही सफेद हाथी कहा जाता था, लेकिन एक बार शुरू होने पर उम्मीद बंधी थी कि कम से कम कुछ तो काम आएगी, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों तक ठीक चलने के बाद अब यात्रियों को 45 मिनट तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि मुंबई में लोगों के पास इंतजार के लिए इतना वक्त नहीं होता। लंबे इंतजार के लिए मेंटेनेंस की दिक्कतों को वजह बताया जा रहा है। कुल 10 ट्रेन लाई गई थी, लेकिन हकीकत में दो ही चल पा रही है। मोनोरेल 40-45 मिनट्स लेट चल रहा है, तो इस सब का हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। ऊपर सर्विस भी कुछ अच्छी नहीं है, बैठने के लिए चेयर्स नहीं है, पानी का सर्विस नहीं है, फिर मंथली का पास भी नहीं रहता, तो ऐसे सब प्रॉब्लम है। मोनोरेल फ्रीक्वेंसी नहीं, कभी एक घंटा नहीं, कभी 45 मिनट नहीं है। अगर ऊपर हम चले जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं अभी एक आने वाली है, कभी तुरंत मिलती है, कभी नहीं रहती है, तो गाड़ी मिलती भी नहीं है। बिकॉज इन्वेस्टिंग सच अ ह्यूज अमाउंट इन द प्रोजेक्ट एंड यू आर नॉट गेटिंग अ गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट, सो आई गेस इट्स यू कैन से इट इज अ फेल्ड प्रोजेक्ट एज वेल। ग्राहकों के लिए दूसरी परेशानी है कि स्टेशनों पर सुविधा भी नहीं है, जैसे कि बैठने के लिए सीट नहीं है, पीने के लिए पानी की सुविधा नहीं है, कुछ खाने पीने का भी साधन नहीं है। वादे के बावजूद भी इसे चलाने वाली एजेंसी MMRDA मंथली पास और रिटर्न टिकट की सुविधा भी नहीं शुरू कर पाई है। मोनोरेल को जब शुरू किया गया था तब ये आइडिया था कि पूर्व मुंबई के चेंबूर से लेकर दक्षिण मुंबई के जेकब सर्कल तक कनेक्टिविटी बढ़ेगी। मोनोरेल फिर एक बार फेल हुआ है फ्रीक्वेंसी को लेकर। यहाँ कहना है कि 45 मिनट तक ट्रेन जो है आ नहीं रही है बारिश की वजह से। अब कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि मुंबई का सबसे बड़ा फेल प्रोजेक्ट ये मोनोरेल रहा है, ये मेरा नहीं बल्कि लोगों का कहना है। मुंबई में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लंबी समय तक अनदेखी होती रही, बाद में जो प्रोजेक्ट आए उसमें स्काईवॉक और मोनोरेल जैसे प्रोजेक्ट भी बने जिनकी लागत हजारों करोड़ रही, पर लोगों के काम आने के बजाय वो शोपीस बनकर रह गई। नेहा सिंह, जी मीडिया, मुंबई।